हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 83 है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र पर देखिए क्या कुछ कहा गया है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। ये कृषि क्षेत्र की समस्याओं का ब्यौरा है। अब देखें कि इस रिपोर्ट में चिंता भी व्यक्त की गई है कृषि क्षेत्र के प्रति। तो चिंता क्या है? कृषि क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय क्या है, इस बात का जिक्र किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में। ये देखें, किसानों का जो इनकम डबल करना था, ये अभी चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों की आय दोगुनी करनी, और ये जो एडिबल ऑयल है और पल्सेस है, खाद्य तेल और दालें, उसका जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बढ़ते क्रम में है, अभी वो कम नहीं हुआ है। तो इस विषय पर चिंता व्यक्त किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में। देखें, एमएसपी के सहारे कृषि फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये अच्छा टर्म है, एग्ज़ाम में ये सब टर्म रखा जा सकता है कि एमएसपी के सहारे ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ है। देखिए, कृषि क्षेत्र में विविधीकरण अपनाने से फ़ायदा क्या है। विविधीकरण अपनाने से फ़ायदा यह है क्या कि नीड बेस्ड कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, ज़रूरत आधारित खेती और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में मदद मिलेगा। ये इसका प्लस पॉइंट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। और किसानों की आय दोगुना करने के लिए क्या करना होगा, किसानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये जो मांग आधारित खेती है वो तो करनी ही पड़ेगी। मांग आधारित खेती, जैसे कि बाज़ार में जिस चीज़ की मांग होती है उसको आधार बना के खेती करना पड़ेगा, तभी किसान की आय बढ़ेगी। और जो दोगुना करने का लक्ष्य है सरकार का, 2022 तक रखा गया था, वो पूरा हो सकेगा। तो अब देखें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए खेती में जहाँ जैसी ज़रूरत होगी सरकार वैसी एमएसपी प्रणाली का उपयोग करेगी। जब किसान मांग आधारित खेती करने लगेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो गवर्नमेंट देखेगी कि कहाँ किस तरह का ज़रूरत है और उस हिसाब से एमएसपी सिस्टम को यूटिलाइज किया जाएगा। अब देखें, आयात निर्भरता घटाने के लिए तिलहन दलहन और बागवानी फसलों के साथ साथ क्या पशुधन विकास, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, ये प्राथमिकता। तो ये भी याद रखना है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने के लिए किस चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये सब है, जिसमें कि पानी की कम खपत हो वैसे फसलों पर ध्यान दिया जाएगा, उसको ही प्राथमिकता में रखा जाएगा। जैसे तिलहन है, दलहन है, बागवानी फसल है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है और फिशरी है, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखेगी सरकार, ऐसा अब कहा गया सर्वेक्षण में। अब देखें, ऐसी प्राथमिकता, ये जो भी प्राथमिकता वाला ये क्षेत्र पड़े जिसमें पानी की कम खपत हो, तो ये कृषि क्षेत्र की विकास दर को उछाल दे सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसकी रफ्तार को तेज कर सकता है, इस तरह की प्राथमिकता। और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बीच उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रजातियों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। ये जो प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग ब्रीड्स हैं, उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रजातियाँ, इसके उन्नयन यानी कि उसको थोड़ा अपलिफ्ट किया जाएगा, उस पर बल दिया जाएगा। ढांचागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये के साथ अन्य जरूरी क्षेत्रों को प्रोत्साहन की जरूरत पर बल दिया गया है।
अन्य जरूरी क्षेत्रों को प्रोत्साहन और ढांचागत विकास, इस पर भी बल दिया गया है। अब देखें कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये जो है कि बीते वित्तीय वर्ष में यानी 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्र का जो ये है कंट्रीब्यूशन है, हिस्सेदारी है, वो बढ़ा है जीडीपी में। देखिए गेहूं चावल व अन्य अनाज की उत्पादकता दर, अनाज का जो है प्रोडक्टिविटी रेट, वो 2-3% के बीच रही। दलहनी फसलों व तिलहनी फसलों की वार्षिक विकास दर, दलहनी फसल और तिलहनी फसल का इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा क्रमशः ये 7.9 और 6.1, इसको भी याद कर लेंगे। ये सब पूछता है बीपीएससी में या फिर अन्य एग्जाम में। सेवन पॉइंट नाइन, 6.1 दर्ज किया गया दलहनी और तिलहनी में एनुअल ग्रोथ रेट। अब देखें डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई के मद्देनज़र, घरेलू मांग व आपूर्ति के मद्देनज़र, चावल व गेहूं जैसे अनाज वाली फसलों का ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। ये है सर्वेक्षण में ऐसा कहा गया है कि इसका स्टॉक है चावल व गेहूं जैसे अनाज वाली फसलों का, लेकिन दूसरी ओर क्या है, दाल व खाद्य तेलों, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स के लिए क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बनी हुई है। इस पर सालाना 1,00,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो ये इम्पोर्ट डिपेंडेंसी दाल और खाद्य तेलों के लिए है, इस पर भी क्वेश्चन सेट कर सकता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम के बारे में चर्चा की गई है सर्वेक्षण में। देखिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए इस प्रोग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए इस प्रोग्राम को क्या प्रायोरिटी दिया जाएगा। और 2015-16 और 2020-21 के दौरान देखिए क्या कुछ बताया गया सर्वे में। ये देश में तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन मिला है, तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन मिला है 15-16 2020-21 के दौरान। तो तिलहनी फसलों के एमएसपी में ज़बरदस्त वृद्धि की गई है इस अवधि में, और यही कारण है कि इन फसलों के उत्पादन में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है इस अवधि के दौरान, 15-16 से 20-21 के दौरान 43% वृद्धि तिलहनी फसलों में दर्ज किया गया है। और ये कैसे हुआ, तो एमएसपी में इन फसलों के लिए एमएसपी में ज़बरदस्त वृद्धि की गई थी, और ये गेहूं चावल के उत्पादन में तो 2% की वृद्धि दर्ज की गई है इस अवधि में। तो ये सब है जो कृषि से संबंध में, कृषि क्षेत्र के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया, और इससे आपका 3-4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ें और तैयार रहें, कुछ भी आएगा तो हम ऑब्जेक्टिव में आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सेट संपन्न होता है। आगे और भी इस तरह से सेक्टर वाइज हम वीडियो लाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, तब तक आप वीडियो वॉच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।